नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महुआ मोइत्रा की सांसदी छीनने को बेताब दुबे जी का गैंग गलतियां पर गलतियां कर रहा है और अपनी गलतियों की जद में लोकसभा के एथिक्स कमिटी को भी ले आया है। इस गैंग ने ऐसे ऐसे कारनामे करने शुरू कर दिए हैं कि एथिक्स कमिटी अपना नियम कायदा सब भूल कर तमाम चीजों का उल्लंघन करती चली गई है। अब इसमें क्या उल्लंघन हुआ है, किस मर्यादा को तोड़ दिया गया है, ये हम बताने जा रहे हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा को बदनाम करने में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए एथिक्स कमिटी अपने हद से बाहर चली गई है। क्या हुआ है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, एक आपको हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। दरअसल ये नियम है, रूल है कि लोकसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई एथिक्स कमिटी कितनी चीजों को गोपनीय रखेंगी, लेकिन यहां पर गोपनीयता की ही धज्जियां उड़ाई गई हैं। महुआ मोइत्रा ने इस संबंध में ट्वीट किया है, साथ ही साथ महुआ मोइत्रा ने गौतम अडानी को भी करारा जवाब दिया है कि आप मुझे खामोश करने के लिए जो भी ऑफर देंगे या जैसे भी आप डराने की कोशिश करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम सवाल पूछेंगे। अब यहां पर महुआ मोइत्रा ने जो नियम कायदे समझाए एथिक्स कमिटी के, जरा आप भी समझ लीजिए और देखिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के होश उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे। इस ट्वीट से, इस स्क्रीनशॉट से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहां पर महुआ मोइत्रा ने लिखा, चेयरमैन एथिक्स कमिटी ओपनली स्पीक्स टू मीडिया, प्लीज सी लोकसभा रूल्स बिलो, हाउ डज एफिडेविट फाइंड इट्स वे टू मीडिया, चेयरमैन शुड फर्स्ट डू इंक्वायरी इनटू हाउ दिस वाज लीक्ड, आई रिपीट बीजेपी वन पॉइंट एजेंडा इज टू एक्सपेल मी फ्रॉम लोकसभा टू सेट मी अप ऑन अडानी। यहां पर महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट के जरिए साफ मैसेज दिया है कि एथिक्स कमिटी के जो चेयरमैन सोनकर साहब हैं, वो ओपनली इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कैसे, अब आप समझ गए होंगे कि एफिडेविट जो सादे कागज पर दर्शन हीरानंदानी ने लिखकर डाले और वो मीडिया तक पहुंच गए, यही एथिक्स कमिटी से किसी ने लीक किया। तो एथिक्स कमिटी ही एथिक्स अगर भूल जाए तब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने एथिक्स कमिटी पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर महुआ मोइत्रा के लॉगिन आईडी पासवर्ड कहां पर खुले, इसको लेकर बवाल मचेगा। लेकिन पहले लोकसभा के नियम को जरा देखते हैं, क्योंकि यहां पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि मैं अडानी पर ना बोलूं, इसके लिए किसी भी हाल में उन्हें लोकसभा में बाहर रखा जाए। अब जो अंग्रेजी में पॉइंट लिखा हुआ है 275 1 2 3, इसका मतलब हम सीधे आपको हिंदी में बताते हैं कि क्या यहां पर कहा जा रहा है। इसमें लिखा गया है 275 1 में, एक समिति यह निर्देश दे सकती है कि संपूर्ण या आंशिक साक्ष्य या उसका सारांश पटल पर रखा जाए। पॉइंट नंबर 2, समिति के साक्ष्य मौखिक या लिखित, रिपोर्ट या कार्यवाही का कोई भी भाग जो पटल पर नहीं रखा गया है, अध्यक्ष के अधिकार के अलावा किसी के द्वारा निरीक्षण के लिए खुला नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, किसी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य को समिति के किसी भी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे पटल पर ना रख दिया जाए, यानी लेड ऑन द टेबल। यहां पर कहा जा रहा है बशर्ते कि अध्यक्ष विवेक का प्रयोग करते हुए निर्देश दे सकता है कि ऐसे साक्ष्य को औपचारिक रूप से सभा पटल पर रखे जाने से पहले सदस्यों को गोपनीय रूप से उपलब्ध कराया जाए। यानी कि यहां पर जो सीक्रेसी प्राइवेसी की बात हो रही है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां साफ तौर पर प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया। लोकसभा ने एथिक्स कमिटी के लिए जो नियम बनाए उसकी यहां पर धज्जियां उड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्या स्पीकर साहब अब अपनी ही बनाई गई एथिक्स कमिटी पर कोई कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे? महुआ मोइत्रा ने कहा है कि अब आप एक इंक्वायरी कीजिए ना, जांच बिठाइए, यहां पर कहां खेल हुआ है, कौन इसे लीक कर रहा है, मीडिया तक चीजें कैसे पहुंच रही हैं, इसका जवाब तो दीजिए। ये दुबे जी का गैंग इस कदर बेचैन है कि कितनी जल्दी महुआ मोइत्रा की सांसदी छीन ली जाए, इसके लिए स्पीकर साहब पर भी प्रेशर बनाया जा रहा होगा। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किस कदर फैसला लेते हैं विपक्ष के मामले में या किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब देखिए यहां जो आपने नियम देख लिए हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि महुआ मोइत्रा ने उसका क्या जवाब दिया है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड किस किस जगह से लॉगिन हो गए। कहना है निशिकांत दुबे का कि यह किसी और ने लॉगिन किए, महुआ मोइत्रा वहां नहीं थी, इसकी जांच की जाए। इस पर लिखा गया है एनआईसी के डेटा के मुताबिक
एनआईसी ने ही कहा है कि दुबई में भी लॉगिन हुआ था। अब महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया, रिक्वेस्ट एनआईसी टू प्लीज रिलीज ऑल डिटेल्स ऑफ एमपीज पब्लिकली टू सो दे वेयर फिजिकली प्रेजेंट इन प्लेस फ्रॉम वेयर आईडीज वेयर एक्सेस्ड बाय देयर पीए एंड रिसर्चर्स इंटर्न्स स्टाफ डोंट यूज फेक डिग्री वाला फॉर लीक मेक दिस पब्लिक नाउ। यहां पर उन्होंने कहा है कि मैं एनआईसी से रिक्वेस्ट करती हूं कि जितने भी देश में सांसद हैं उनके लॉगिन आईडी डिटेल्स को सार्वजनिक किया जाए कि उनके पीए सेक्रेटरी ने कहीं लॉगिन नहीं किया हो, और किया हो तो उस वक्त फिजिकली सांसद महोदय महोदया प्रेजेंट रही हूं, इसको लेकर भी एक खुलासा हो जाए। और इसके लिए फेक डिग्री वाले की तरह लीक करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सार्वजनिक कर दीजिए, उन्होंने कहा है। महुआ मोइत्रा ने जो सवाल यहां खड़े किए हैं उस पर गौर कीजिएगा, देश में बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो सही से इंटरनेट भी चला पाते होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। यहां पर लॉगिन करना भी बहुतों को नहीं आता होगा। बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे सांसद होंगे जो टेक्निकली साउंड नहीं होंगे, डिजिटली स्ट्रांग नहीं होंगे, अब वो कैसे लॉगिन करते होंगे? उनके पीए या सेक्रेटरी कहीं और जगह से क्या वो एक्सेस नहीं करते होंगे? अगर करते होंगे तो फिर ये भी अपराध है, फिर इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा के कहने का मतलब वही है। अब यहां से अडानी पर सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा ने जो निशाना साधा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। महुआ मोइत्रा का कहना है कि गौतम अडानी किसी भी सूरत में चाहते हैं कि हम अडानी को लेकर और मोदी जी को लेकर कोई सवाल ना पूछे, ना संसद के अंदर ना संसद के बाहर। महुआ ने कहा, मैं डरूंगी नहीं, सवाल तुम्हें पूछूंगी। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी अडानी पर सवाल पूछ रहे थे तो निशिकांत दुबे उस वक्त भी कितना उछलते हुए बोल रहे थे, सांसद ही तो राहुल गांधी की जाएगी, और चली गई। हालांकि विशेषाधिकार समिति में मामला पहुंचाकर वहीं से प्लानिंग थी कि राहुल गांधी की सांसद छीन ली जाए, लेकिन हुआ क्या कि पुराने एक मामले को खोलकर, 4 साल पुराने मामले को, उसमें राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाकर उनकी सांसदी छीन ली गई। अब यहां महुआ मोइत्रा की बारी है, उनकी सांसदी छीनने के लिए एथिक्स कमेटी का प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर जो जवाब दिया गया है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, अडानी को लेकर दो दावे महुआ मोइत्रा के। पहले ट्वीट में महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि अज्ञात एफपीआई के पास अडानी के शेयर हैं, सेबी उनके बारे में पता नहीं लगा पाई है, इससे अडानी को मुंबई एयरपोर्ट खरीदने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी मिली है। अब जो दूसरा ट्वीट है वो भी देखिए, महुआ ने लिखा, सॉरी अडानी जी, मैं शांति के लिए 6 महीने तक चुप रहने का आपका सौदा अस्वीकार कर रही हूं, साथ ही आपकी यह डील भी नामंजूर कर रही हूं जिसमें मुझे आप पर बोलने की आजादी थी और प्रधानमंत्री पर नहीं, यह डील भी उन्होंने ठुकरा दी है। यानी गौतम अडानी पेशकश तो कर रहे हैं, ऑफर तो कर रहे हैं, इस ऑफर की भी जांच हो जाए, जो महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाए हैं। जांच तो सिर्फ निशिकांत दुबे के द्वारा लगाए गए आरोप पर होते हैं, बाकी कोई लगा दे दुबे जी की फर्जी डिग्री पर, मजाल क्या है स्पीकर साहब की एथिक्स कमेटी इस मामले में जांच कर दे, ना संभव ही नहीं है। अब देखिए यहां पर जानकारी यह भी है कि महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई की रेड भी पड़ने वाली है, कि महुआ इस कदर डर जाए, टूट जाए कि वो हिम्मत ना कर सके वो पार्लियामेंट में बीजेपी पर कोई तीखे सवाल रख सके। यहां जानकारी दी गई है महुआ मोइत्रा के द्वारा ही कि महुआ ने कहा, मुझे पता चला है कि सीबीआई मेरे घर पर छापा मारने वाली है, मैं दुर्गा पूजा में व्यस्त हूं, मैं सीबीआई को घर आने और मेरे जूतों की जोड़ी गिनने के लिए आमंत्रित करती हूं, लेकिन सबसे पहले अडानी पर एफआईआर दर्ज करें जिन्होंने कोयला घोटाला के जरिए देशवासियों का 13,000 करोड़ रुपए चुराए हैं। अब बताइए कि गौतम अडानी से अभी भी तीखे सवाल हैं तो मिर्ची तो बहुत जगह लग रही है। दुबे जी को मिर्ची लग रही है कि उन्हें फेक डिग्री वाला वो क्यों कहती है, अडानी को मिर्ची लग रही है कि महुआ मोइत्रा के खुलासे से उनके धंधे पर असर पड़ रहा है, मोदी जी को दिक्कत यह हो रही है कि वो अपनी छवि बेदाग रखना चाहते हैं और अडानी से संबंधों के चलते उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है और महुआ उस पर नमक छिड़क दे रही है, तो बेचैनी पूरे बीजेपी की बढ़ चली है। तो देखना होगा कि इस मामले में एथिक्स कमेटी कितनी जल्दी फैसला कर लेती है, क्योंकि आशंका है कि कुछ ही दिनों में फैसला आ जाएगा और ओम बिरला को 1 मिनट नहीं लगेगा कि वो कह दे नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लोकसभा सेक्रेटेरिएट को कि भाई इनके सांसदी छीनने का एक नोटिफिकेशन जारी करो और ऐसे छीनो या कहीं और जाकर अपील ना कर सकें
क्योंकि एथिक्स कमेटी के मामले में अपील भी नहीं हो पाती है, सीधे सांसदी चली जाती है। अब इंतजार कीजिए कि इस खेल में बाजी कौन मारता है, लेकिन यह तो तय है कि दुर्भावना से प्रेरित होकर ही ये पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। अगर इसी आधार पर सबकी तलाशी कर ली जाए तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में कोई बचेगा नहीं जिस पर दाग ना लगे लॉगिन आईडी पासवर्ड को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।